हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पॉजिटिव लर्निंग में आज हम जून सेकंड वीक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे हमारी जून फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेज कवर कर लेते हैं सेवेंथ जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है एट्थ जून को वर्ल्ड ओशियंस डे और इस बार जो वर्ल्ड ओशियंस डे की थीम थी वो थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन एट्थ जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी ऑब्जर्व किया जाता है नाइन्थ जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे एक्रेडिटेशन का मतलब होता है रिकॉग्निशन या फिर मान्यता इस बार की जो थीम थी वो थी हाउ एक्रेडिटेशन इम्प्रूव फूड सेफ्टी कि कैसे एक्रेडिटेशन फूड सेफ्टी को इम्प्रूव करता है इलेवेंथ जून को ग्रीन मिजोरम डे ऑब्ज़र्व किया गया ग्रीन मिजोरम डे से मनाया जा रहा है और ये वहां की फ्लोरा और फोना को कंजर्व करने के लिए मनाया जाता है ट्रीज भी प्लांट किए जाते हैं अब तक लगभग थर्टी एट ट्रीज प्लांट किए जा चुके हैं ट्वेल्थ जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इस बार की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का स्टेटमेंट है कि ये जो कोरोना काल है इसमें सबसे ज्यादा संभावना है कि जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाए थर्टींथ जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है एल्बिनिज्म एक डिसऑर्डर है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनकी स्किन एकदम वाइट होती है इसमें क्या होता है कि जो मेलेनिन है उसका प्रोडक्शन या तो बहुत कम हो जाता है या फिर प्रोडक्शन होता ही नहीं है इस बार की थीम थी मेड टू शाइन फोर्टींथ जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इसकी इस बार की थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइव अवार्ड्स एंड ऑनर्स कर लेते हैं शोभा शेखर को मिला है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया शोभा शेखर कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की फाउंडर हैं रतन लाल को मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़ रतन लाल एक सॉयल साइंटिस्ट हैं इन्हें ये जो प्राइज़ मिला है वो सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के लिए मिला है इन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया है जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके रंजीत कुमार को मिला है नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिडिज़ाइन करने में हेल्प की है एशियन पीस प्राइज इस बार कैंसिल हो गए हैं कोविड नाइन्टीन की वजह से आदित्य सोलर फेरी ये एक बोट है इसे मिली, इसे मिली अवार्ड मिला है गुस्तवे ट्रोवे अवार्ड ये ऑपरेट करती है केरल में जावेद अख्तर को मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड ये अवार्ड इन्हें इनकी क्रिटिकल थिंकिंग और ह्यूमनिस्ट वैल्यूज के लिए मिला है उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है उड़ीसा के होटल्स का असेसमेंट हुआ था जिसके बाद इन इसे ये आई सर्टिफिकेशन मिला है अब कुछ इंडेक्स और रैंकिंग्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो कि की रिलीज की, किया जाता है एफ के द्वारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें पहली जो पोजीशन है वो है गुजरात की सेकंड पोजीशन तमिलनाडु और थर्ड पोजीशन पर है महाराष्ट्र लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है चंडीगढ़ वीट प्रोक्योरमेंट में जो फर्स्ट पोजीशन है वो मध्य प्रदेश स्टेट की है प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीद एमपी गवर्नमेंट ने 1.27 करोड़ टन वीट प्रोक्योर किया है जो पूरी कंट्री का 33 परसेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ट्वेंटी, ट्वेंटी के मुताबिक फर्स्ट पोजीशन पर है आईआईटी मद्रास मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रैंकिंग्स इसमें जनरली जो सबसे पहला नाम होता है वो होता है टोक्यो शहर का जो जापान की राजधानी है लेकिन कुछ चेंज देखने को मिला है जो इसमें पहला नाम है वो है होंगक का यानी होंगक बन गई है एक सबसे एक्सपेंसिव सिटी सेकंड नंबर पर है अशगाबाद और थर्ड पर है टोक्यो इंडिया की तरफ से मुंबई है सिक्सटी पोजिशन पर न्यू दिल्ली 101 पोजीशन पर और चेन्नई 143 पोजीशन पर नेचर इंडेक्स रैंकिंग्स में फर्स्ट पोजीशन आई है सीएसआईआर की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टॉप थर्टी रैंकिंग में जो टॉप थर्टी रैंक्स हैं उनमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तीन इंस्टीट्यूट का नाम है जिसमें पहला है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो सेवेंथ पोजीशन पर है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो फोर्टीनथ पोजीशन पर है एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता जिसकी पोजीशन है थर्टी। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में कोविड नाइन्टीन की वजह से कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला बेल्जियम फर्स्ट पोजिशन पर है और इंडिया की पोजिशन है वन एक सर्वे के हिसाब से कोविड नाइन्टीन को लेकर अगर देखा जाए तो सबसे सेफ कंट्री है स्विट्ज़रलैंड और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है इज़राइल का तीसरे नंबर पर जर्मनी इंडिया की पोजीशन है फिफ्टी सिक्स लेकिन अगर मोस्ट डेंजरस कंट्री का नाम लिया जाए जो मोस्ट डेंजरस कंट्री है वो है साउथ सूडान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स यानी क्वैकरअली सीम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इसके हिसाब से जो फर्स्ट पोजीशन पर इंस्टीट्यूट है वो है अमेरिका का एमआईटी यानी मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से जो इसमें इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं वो हैं आईआईटी बॉम्बे आईआईएससी बेंगलुरु और आई आई दिल्ली एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ई पी इसमें इंडिया की रैंकिंग है वन और जो फर्स्ट पोजीशन है वो मिली है डेनमार्क को इस रैंकिंग को जो ये इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा अब कुछ अपॉइंटमेंट्स। टेक्नोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं सियान नारायणन स्विट्जरलैंड की अगली एम्बेसडर होंगी मोनिका कपिल मोहता मोनिका कपिल मोहता अभी स्वीडन की एम्बेसडर हैं। इसराइल की तरफ से इजिप्ट की पहली फीमेल एम्बेसिडर होंगी आमीरा ओरोन इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड गोवरिन को तमिलनाडु के हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे डॉक्टर जे राधा कृष्णन इन्होंने रिप्लेस किया है ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर बीला राजेश को बीला राजेश अभी कमर्शियल टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी हैं। नेक्स्ट इज चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत गुप्त आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने तीन एडवोकेट को अपॉइंट किया है एज गवर्नमेंट लीडर्स वो हैं जे सुमिति वी सुजाता और टी किरण इन तीनों ने रिप्लेस किया है पी वेंकेट राव जी सतीश बाबू और हबीब शेख को आई बैंक के डायरेक्टर बने हैं अंशुमन शर्मा श्रीनगर रेलवेज के लोकल चीफ एरिया मैनेजर हैं साकिब यूसुफ ये जो साकिब यूसुफ हैं, ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर भी हैं गुड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं संदीप महाजन इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव आनंद को फिलीपींस के अगले एम्बेसडर होंगे शंबो एस कुमारन एच डी एफ सी बैंक के चीफ डायरेक्टर हैं कायजाद भरूचा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और लद्दाख हाई कोर्ट के जज बने हैं जावेद इकबाल उड़ीसा हाई कोर्ट की जज बनी है सावित्री राठो ये थर्ड वुमेन है उड़ीसा हाई कोर्ट में जज बनने वाली इससे पहले आमिया कुमारी और संजू पांडा ये उड़ीसा हाई कोर्ट में जज रह चुकी हैं ओयो के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं स्टीव एल्ब्रैक गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने हैं निसाबा गोदरेज इन्होंने रिप्लेस किया है विवेक गंभीर को पाकिस्तान के बैटिंग कोच बने हैं योनस खान ये इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में टेन थाउजेंड बनाए हैं स्पिन बॉलिंग कोच बने हैं पाकिस्तान के स्पिनर मुश्ताक अहमद गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर बने हैं अनिल वल्लूरी ये फॉर्मर नेट एप टॉप एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनी हैं एम नेत्रा ये महज पंद्रह साल की लड़की हैं अब कुछ डिमाइज कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सारजा इनका देहांत हो गया इनकी डेब्यू मूवी थी वायुपुत्र और लास्ट मूवी थी शिवार्जुन कर्ट थॉमस का भी निधन हो गया कर्ट थॉमस जिम्नास्ट थे और ये पहले अमेरिकन मेल थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था हमजा कोया इनकी मृत्यु हो गई कोविड नाइनटीन की वजह से ये इंडियन फुटबॉलर थी उर्दू पोएट गुलजार दहलवी इनका भी देहांत हो गया कोविड नाइन्टीन की वजह से इन्होंने ये, ये एडिटर रह है चुके हैं साइंस ऑफ दुनिया मैगजीन के ये पहली उर्दू साइंस मैगजीन थी डॉक्टर वैद्यनाथन इनका देहांत हो गया ये प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर थे टॉनी ड्यून इनका भी निधन हो गया ये आयरिश फुटबॉलर थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी इनका निधन हो गया जो अर्जुन चरण सेठी थे वो आठ बार एमपी रह चुके हैं भद्रक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएसी से और यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं एनडीए सरकार में डीएमके जे अनबाजगन इनकी भी मृत्यु हो गई कोरोना वायरस इंफेक्शन की वजह से टेलीविजन एक्टर ये गुजराती एक्टर थे जागेश मुखी इनका देहांत हो गया इन्होंने कुछ धारावाहिक में भी रोल प्ले किया था जैसे श्री गणेश अमिता का अमित बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने किसकी बायोपिक में काम किया था तो वो है महेंद्र सिंह धोनी बुरुंडी के प्रेसिडेंट पियरे कुरूनजिजा इनका भी देहांत हो गया अब कुछ स्कीम्स कैंपेन्स प्रोग्राम्स और एप्स आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं जगनमोहन रेड्डी उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जगन अन्ना छेडोडू ये जो स्कीम है जगन अन्ना छेडोडू इसका मतलब है हैंड होल्डिंग जगन ये जो स्कीम है इसके अंडर जो बार्बर्स हैं वॉशरमैनस हैं और टेलर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल मदद की जाएगी यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन चलाई है ये एक वीक तक चलेगी और इस कैंपेन की मदद से पता किया जाएगा कि सोसाइटी के कौन कौन से सेक्शंस में अलग अलग सेक्शंस में जो कोरोना है जो इन्फेक्शन है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है मुंबई ने फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है ये जो सिस्टम है ये फ्लड प्रडिक्ट कर सकेगा यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर ये जो प्रोग्राम है ये यूथ को पेड इंटर्नशिप करवाने के लिए लॉन्च हुआ है यूपी सरकार ने एक स्कीम अडॉप्ट की है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल इस स्कीम से जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें जमीन इजीली अवेलेबल हो पाएगी यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने लॉन्च की है बाल श्रमिक विद्या योजना ये योजना लॉन्च की गई है माइग्रेंट्स के बच्चों के लिए जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है पॉलिट्री पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी हैदराबाद में स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्त्री एब्रीवियेशन है शी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट का राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राज कौशल पोर्टल ये जो पोर्टल है ये एक जॉब पोर्टल है और जो वर्कर्स हैं जो वापस राजस्थान लौट के आए हैं उन्हें जॉब देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है वेस्ट बेंगाल ने भी एक ऐसा ही पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्मो भूमि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च की है पंचवटी योजना ये रूरल एरियाज में रहने वाले सीनियर के लिए है इस योजना के अंतर्गत कुछ पार्ट्स बनाए जाएंगे सीनियर सिटीजन के लिए माइग्रेंट्स को ए बी पी एम जे ए वाई ई कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे जो अंडर प्रिविलेज है उन्हें हेल्थ कवर मिल सके ए बी पी एम जे फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सौनी स्कीम कंप्लीट हो ट्वेंटी ट्वेंटी में सोनी की फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम ये जो स्कीम है इसका लक्ष्य था कि नर्मदा वाटर से एक सौ पंद्रह डैम को फिल करना सी एस आई आर ने लॉन्च किया है आरोग्य पथ पोर्टल इस पोर्टल से हेल्थ केयर सप्लाइज की रियल टाइम अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी सी एस आई आर की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनियन मिनिस्टर जीतेंद्र सिंह ने कोविड बीप ऐप लॉन्च की है कोविड बीप की फुल फॉर्म है कॉन्टीन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ई सी आई एल ई सी आई सी पॉड जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेंटर ने महाराष्ट्र को वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी अब कुछ और न्यूज आईटीबीपी ने एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका टाइटल है रख हौसला हिम्मत ना हार ये सॉन्ग लिखा गया है कांस्टेबल वरुण कुमार के द्वारा और इसे गाया है कांस्टेबल विक्रमजीत ने और ये गाना कंपोज किया गया है विक्रम संघ के द्वारा आर ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को फ्रेश लोन ग्रांट करने से और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उत्तराखंड की समर कैपिटल बना दिया गया है गैरसेन को जो चमे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है इस ग्रुप की मदद से जो ओनरशिप और गवर्नेंस से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उन्हें रिव्यू किया जाएगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक एक्सपर्ट एडवाइजर कमेटी का गठन किया है ये जो कमेटी है ये दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सुझाव देगी एन यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुली डिजिटल हो गया है इसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डाटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अब जो भी डिसीजंस होंगे या अप्रूवल होंगे वो पोर्टल में पर ही होंगे महाराष्ट्र की लोनार लेक इसका कलर पिंक हो गया है ये सेलिनिटी की वजह से हो सकता है या फिर एटमॉस्फेरिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है ओलेक्जेंडर गोजिक इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है ये यूक्रेन से हैं ये एक बॉक्सर हैं इन्होंने डब्लू टाइटल जीता है 2018 में और 2012 के ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है थर्ड इंडियन एशियन यूथ डायलॉग हुआ था जो कि वर्चुअल था कोविड 19 की वजह से इसमें बात की गई थी यूथफुल एनर्जी को चैनलाइज करने के ऊपर यूएनसीटीडी के अनुसार यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट के अनुसार जो ग्लोबल ट्रेड है वो ट्वेंटी सेवन परसेंट और गिर सकता है ये सेकंड क्वार्टर क्वार्टर में होगा पहले क्वार्टर में भी ये डिक्लाइन हो चुका है फाइव परसेंट अब फर्दर ट्वेंटी सेवन परसेंट डिक्लाइन होने की संभावना जताई जा रही है यूएनसीटीडी के द्वारा हंड्रेड अमेरिकन वेंटिलेटर्स आएंगे इंडिया में इसको मैनेज किया है रेड क्रॉस ने शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर या फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं वो पॉजिटिव आए हैं कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव इससे पहले दो क्रिकेटर और पॉजिटिव हो चुके हैं जो हैं तौफीक उमर और जफ़र सरफराज यूपी ने इन्वेस्ट यूपी एक नोडल एज, एजेंसी सेटअप की है इससे जो भी इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें पंद्रह दिनों के अंदर क्लियर कर लिया जाएगा कोविड नाइन्टीन केसेस में अब इंडिया की पोजीशन फोर्थ हो गई है हालांकि रिकवरी रेट इंडिया का अच्छा है लेकिन फिर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बनने वाला है हुबली जो कर्नाटक में है अभी जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूपी का गोरखपुर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसने हंड्रेड बेड टेम्प्ररी हॉस्पिटल तैयार कर लिया है पटना में जिससे जो कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट हो सके रिसर्चर्स ने लो कॉस्ट कोविड नाइन्टीन टेस्ट डेवलप किया है जो आर टी एन पी सी आर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पॉलिमराइज चेन रिएक्शन अभी जो टेस्ट होते हैं वो आर टी क्यू पी सी आर है फोर्टीएथ जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में हुई थी न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री है जो कोरोना फ्री डिक्लेयर हो चुका है यूके की इकोनॉमी अप्रैल लॉकडाउन में ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंट हो गई और ये सबसे बड़ा श्रिंक है केरल स्टार्टअप वी एस टी मोबिलिटी सॉल्यूशन ने लॉन्च किया है मास्क डिस्पोजल बिन जिसका नाम रखा गया है बिन नाइनटीन थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर देखें लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू स्टे कनेक्टेड